नमस्कार दोस्तों, इनर गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप में यूपीआई ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, या पेमेंट का ऑप्शन जो देख पा रहे हैं आप वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप में नया फीचर आ चुका है जिससे आप पेमेंट ले सकते हैं और दे सकते हैं। जैसे कि यूपीआई होता है, फ़ोनपे होता है, भीम होता है, वैसे ही आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट ऑप्शन हमारा मिल चुका है जिसके थ्रू पेमेंट हम कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, साथ ही अपना एम पिन भी क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है पेमेंट ऑप्शन, ये अभी कुछ ही जगह आया, मतलब कुछ कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला। और अगर चाहते हैं आप ये ऑप्शन तो उसके लिए आपको इन्वाइट लेना होगा किसी से, कि कोई आपको पेमेंट ऑप्शन वाला इन्वाइट करेगा तब जाके ही आपको ऑप्शन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आप किसी अपने फ्रेंड से इनवाइट ले सकते हैं तो उनके थ्रू आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और या फिर एक दो दिन का वेट करें, सभी को ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलने वाला है। अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को अपडेट जरूर से रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यह हमारा व्हाट्सएप, सेटिंग ऑप्शन में हम जाएंगे और सेटिंग ऑप्शन में पेमेंट ऑप्शन पर ओके करेंगे। यहाँ पर देखिएगा सेंड एंड रिसीव मनी सिक्योरली विथ यूपीआई, तो ये व्हाट्सएप का एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप पेमेंट्स का है ये। तो इस पर एक्सेप्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद में आपको अपना नंबर जो है, जिस नंबर पे आप यूपीआई ये रजिस्टर कर रहे हैं, या बैंक में आपका जो नंबर है यूपीआई जिससे रजिस्टर करना है और बैंक में जो नंबर हो, दोनों सेम होने चाहिए, वो वाला नंबर आपको मेंशन करना है, उसी से व्हाट्सएप होना चाहिए ये। और वेरीफाई वाया SMS ऐसे अलाउ करेंगे इसको, और सिम सेलेक्ट करेंगे जो इसमें है आपकी, ओके कर देते हैं अपना वोडाफोन का सिम। और उसके बाद में ये प्रोसेस करेगा और कुछ बैलेंस कटेगा आपका, और कटने के बाद में यहाँ पर ये पेमेंट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद में आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना होगा जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो जैसा कि मेरा फेडरल बैंक में अकाउंट है तो फेडरल बैंक में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ये सर्च करेगा थोड़ी देर में और ऑटोमेटिकली आपका बैंक यहाँ पर ऐड हो जाता है। और ऐड होने के बाद में आपको एम पिन सेट करना होता है। यहाँ मैं बता दूँ कि फेडरल बैंक का मेरा जो UPI पिन है वो पहले से सेट है, तो इसलिए मुझे सेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, नहीं तो आपको वहाँ पर सेट करना होता है। उसके लिए 6 डिजिट आपके कार्ड नंबर आपको डालने होंगे और अपना जो नंबर होता है CVV नंबर और एक्सपायरी डेट वगैरह डालनी होती है। तो यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यू कैन नाउ सेंड पेमेंट इन व्हाट्सएप, ओपन चैट एंड टेप, ये वाला जो बटन है आपका अटैचमेंट का, स्टार्ट सेंडिंग, तो डन कर देते हैं। और पेमेंट एंट्री 9 बताई गई है, अभी कुछ भी नहीं है। बैंक अकाउंट हमारा फेडरल अभी ऐड है। सेंड योर फर्स्ट पेमेंट, तो पहला पेमेंट मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए नंबर सेलेक्ट करना चाहिए मुझे कि किसे सेंड करेंगे हम। तो मैं संजीव जी को अपना पेमेंट भेज रहा हूँ यहाँ पर, संजीव टेक्निकल को। तो यहाँ पर संजीव टेक्निकल का नंबर सेलेक्ट करता हूँ, ये रहा संजय टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे मैं अमाउंट सेलेक्ट करूँगा जो मेरे को पे करना है, और जैसे कि मैं बोल देता हूँ कि 4 टेस्ट में ये सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 में नंबर आ जाता है और जो बैंक अकाउंट से आपका पेमेंट कटेगा। यहाँ पे आपका UPI पिन पूछा जाएगा, जो आपका पिन है आपको डालना है और ओके कर देना है। प्रोसेस होगा और पेमेंट आपका प्रोसीड हो जाएगा, और संबंधित रिलेटिव नंबर है जिसे आप भेजना चाहते हैं उन्हें भेजा जा सकेगा। ये इस तरह से ये आपका पेमेंट हो जाता है, और किसी को भी आप पेमेंट भेज सकते हैं बाय द व्हाट्सएप। और यहाँ पे बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी वगैरह रहती है, जब भी आप चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं। और इसी तरह से किसी और नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इनवाइट कीजिए उन्हें, अपने फ्रेंड को, और इन्वाइट कर आप वहाँ पर उसे भी पेमेंट ऑप्शन दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, अकाउंट भी हमारा ऐड हो चुका है और फर्स्ट पेमेंट भी हमने कर लिया है, हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपका जो पेमेंट ऑप्शन है UPI का, वो ऑप्शन ओनली व्हाट्सएप के नॉर्मल वर्जन में ही आपको मिलेगा। अगर आप बिजनेस एप्लीकेशन यूज़ करते हैं व्हाट्सएप का तो उसमें ये अभी नहीं मिल रहा है, बाद में जैसे ही अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा। यहाँ पर पेमेंट सेंड करना मैंने बता दिया है, लेकिन अगर ऐसा पर्सन है जिसके पास में व्हाट्सएप पेमेंट नहीं है, ऑप्शन नहीं आया है यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन में, पेमेंट का ये वाला ऑप्शन नहीं मिला है, तो वहाँ पर आप जैसे कि कोई भी पर्सन है उन्हें ओके करेंगे। और ओके करने के बाद में उस देखिए, ये है ओम प्रकाश जी, इनमें आप पेमेंट सेंड करना चाहता हूँ, तो अगर इनके पास पहले से व्हाट्सएप पेमेंट है तो इनको भेजा जाएगा, नहीं है तो यहाँ पर जैसे कि एरर आ जाता है, इसे इन्विटेशन भेज सकते हैं। ओम प्रकाश जी नीड टू अपडेट देयर वर्जन ऑफ व्हाट्सएप रिसीव पेमेंट, यानी उनका वर्जन अभी अपडेटेड नहीं है, तो वो अपडेट करेंगे, आफ्टर दैट फिर से इन्विटेशन भेज सकते हैं। वैसे ही मैं किसी भी पर्सन को ऐसे इन्विटेशन करना चाहता हूँ, इन्वाइट करना चाहता हूँ, उन्हें इन्वाइट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरा दूसरा नंबर है, उसे मैं इन्वाइट करता हूँ, और ये अपडेटेड वर्जन में है, तो यहाँ का पेमेंट ऑप्शन है, इस पर ओके करेंगे और इन्वाइट हम भेज सकते हैं यहाँ पर।
टू रिसीव पेमेंट 9414 नीड टू सेट अप UPI बाय टैपिंग सेटिंग पेमेंट्स। तो यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन इस नंबर पे मुझे मिल चुका है और वहाँ से मैं चाहूँ तो अपना UPI सेट कर सकता हूँ, पेमेंट कर सकता हूँ। व्हाट्सअप ये ऑप्शन अवेलेबल हो चुके हैं। तो बस ऐसा करना है, जैसा इन्विटेशन हो जाएगा आपका और वो रिलेटिव नंबर भी आपका पेमेंट ऑप्शन गेट कर पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।